हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो दोस्तों, ठोस अवस्था लेसन को हम आगे बढ़ाते हैं। आज इस लेसन का 8वां एपिसोड है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार एवं एकक कोष्ठिकाओं में अभिविकणों की संख्या। कि कल हमने पढ़ा था कि एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, टेस्ट ले लेता हूं एक कि एक क्वेश्चन बोलता हूं, आप मनी मन में आंसर बोले कि एकक कोष्ठिका को परिभाषित कीजिए। यस, फटाफट बोल ले आंसर। ओके, अब मैं आंसर बोलता हूं, आप मिलान कीजिए कि किसी क्रिस्टल, दीवार पूरा क्रिस्टल था, याद कीजिए कि किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग ईंट जिसकी पुनरावृत्ति से, त्रिविम में पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे हम एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है, अगर आपका मिलान इस तरीके से हो गया तो आप अपने नंबर ले लें, 10 में से 10, अदरवाइज जो है नंबर काट लें। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल मैंने आपको जो एकक कोष्ठिका बोली थी वो एक ईंट बोली थी और एकक कोष्ठिका कुछ इस तरीके से बताई थी कि ये एकक कोष्ठिका मैंने आपको बताई थी और इस एकक कोष्ठिका को मैं क्या कर रहा था, त्रिविम में पुनरावर्त कर रहा था कि यूं लगाई यूं लगाई यूं लगाई यूं लगाई तो पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता था। दीवार में ईंटें लगती है ना ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूरी दीवार का निर्माण होता है। तो कल मैंने इस तरीके का आपको यूनिट सेल बताई थी। अब क्या करना है अपने को, इन एकक कोष्ठिकाओं का वर्गीकरण करना है कि कितने प्रकार की होती हैं। ये वर्गीकरण करने से पहले आप एक चीज देख लें कि मैंने इसको एकक कोष्ठिका कहा है और इस एकक कोष्ठिका में ये जो हिस्से हैं ये क्या है, ये इसका एक कोना है, ये कोना है, ये कोना है, तो कितने कोने हुए बच्चों, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 तो इसके होते हैं कोने, ये याद रखो कितने कोने होते हैं, 8। इसी तरीके से ये जो चीजें होती हैं ये क्या है, फलक है। और कितने फलक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 क्या है, इसके फलक हैं। तो 8 कोणे होते हैं और 6 फलक होते हैं। कोणे हमने इसको मानना है, ये किनारा है, ये कोणा है। ठीक है, कोणे 8 होते हैं और फलक 6 होते हैं। अब अभिविकर्ण जो है, क्योंकि कोई भी ठोस जो बनता है, कोई भी क्रिस्टल जो बनता है, वो परमाणु अणु या आयनों से मिलकर बना होता है, जिनको हम उसके अभिविकर्ण कहते हैं। तो वो अभिविकर्ण इस ठोस, इस एकक कोष्ठिका में कहां कहां उपस्थित हो सकते हैं, इसके आधार पर एकक कोष्ठिकाओं को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है कि इसमें अभिविकर्ण कहां उपस्थित है, कोणों पर उपस्थित है कि फलकों के केंद्र में उपस्थित है, ठीक है, कहां उपस्थित है, इसके आधार पर हमने एकक कोष्ठिकाओं को वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो इसमें पहला प्रकार जो है वो है हमारे पास आद्य एकक कोष्ठिका। कौन सी है बच्चों, आद्य एकक कोष्ठिका। चलिए, आद्य एकक कोष्ठिका वो होती है जिसमें, यहां मैंने एक डायग्राम बना रखा है, एकक कोष्ठिका को यूनिट सेल भी कहते हैं इंग्लिश में, तो और इंग्लिश में आद्य एकक कोष्ठिका को कहते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में घनीय यूनिट सेल लेनी है, ये भी एक घनीय है, घनीय एकक कोष्ठिका लेनी है, और घन के प्रत्येक कोने पर अगर अभिविकर्ण उपस्थित हो तो उसे हम आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब प्रत्येक कोणे का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एकक कोष्ठिका थी, इसका ये कोणा है, तो मैंने अभिविकर्ण इसके कोणे पर यहां रख दिया। भाई मैंने क्या कर दिया, यहां मैंने अभिविकर्ण को रख दिया इस तरीके से, ये लो यहां मैंने अभिविकर्ण रख दिया। तो अब ये कोणे पर एक अभिविकर्ण है, इस प्रकार से यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। ठीक है, तो आपको पहले तो एक बार परिभाषा लिख देनी है क्या कि आद्य एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, वह एकक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोणे पर अभिविकर्ण उपस्थित हो उसे आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात तो हो गई। चलिए अब हम क्या करते हैं, एकक कोष्ठिका में अभिविकर्णों की संख्या की गणना करते हैं। ठीक है, क्या होगी गणना, आपको मैं कहूं कि बताओ ये एकक कोष्ठिका कितने अभिविकर्णों से मिलकर बनी हुई है, तो आप फटाक से उत्तर दोगे, सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
आठ कणों से अभिवी कणों से मिलकर बनी हुई है, जिनको मैं परमाणु मान रहा हूं। ठीक है, तो आप कहोगे सर आठ परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि हम एक बात भूल रहे हैं कि एक कोष्ठिका सिर्फ अकेली नहीं होती। एक कोष्ठिका वो होती है जो अपने द्विर्वी में बार बार पुनरावर्त होती है। मतलब इसके साथ इधर भी एक कोष्ठिका होनी चाहिए, आगे भी होनी चाहिए, इधर भी होनी चाहिए, ऊपर भी होनी चाहिए, पीछे भी होनी चाहिए, सब तरफ इसकी एक कोष्ठिकाएं होंगी, उसको हम एक कोष्ठिका कहेंगे। मतलब एक कोष्ठिका अकेली नहीं होती, उसके साथ बहुत सारी एक कोष्ठिकाएं होती हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब तरफ होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके साथ जो एक कोष्ठिका बनेगी वो इस कण को अपने में भी लेगी। जैसे ये जो अपने पास एक कोष्ठिका है, इसके साथ एक और एक कोष्ठिका मैं जोड़ रहा हूं। इधर देखें, जैसे मैंने ये जोड़ दी, तो अब देखो ये नींबू जो है, ये नींबू पानी बनाने के लिए नहीं है, ये इस बात को समझाने के लिए है। ये देख लो कि ये इसके साथ, जैसे ये वाली एक कोष्ठिका इसके साथ चिपकी, तो अब ये नींबू इसका भी हिस्सा बन गया। इसके अकेले का नहीं है ये नींबू, इसका भी हो गया। अगर इसके साथ एक कोष्ठिका मैंने एक और यहां पर रखी, तो ये नींबू इसका भी हिस्सा हो गया। अगर मैंने इसके ऊपर यहां पर रखा, तो इसका भी हिस्सा हो गया। तो आप अगर इमेजिन करो, ठीक है, पिक्चर बननी चाहिए। मैं कहता हूं ना कि आपके माइंड में पिक्चर बननी चाहिए, तो पिक्चर बनाओ। देखो एक दो, खुद ये तीन और एक ये चार, मतलब चार तो इस तरीके से जो है एक कोष्ठिकाओं में ये नींबू बट गया। अब इसी तरीके से चार यहां भी तो होंगे, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर, ऐसे। ठीक है, तो चार आगे एक कोष्ठिका होंगी, उनका भी हिस्सा होगा, चार ये जो होंगी इनका भी हिस्सा होगा। तो ये नींबू अकेला इसका नहीं है, ये आठ डिब्बों में बांटना पड़ेगा आपको, आठ एक कोष्ठिकाओं में बांटना पड़ेगा। ये नींबू कटेगा तो आठों में बटेगा, और एक में हिस्सा कितना आएगा, एक बटा आठ। कितना हिस्सा आएगा, एक बटा आठ हिस्सा आएगा। इसलिए आप इस एक अभिविकरण को, जिसको आप एक को एक ही देख रहे हो ना, वो वास्तव में एक एक ही नहीं है। ये कितना है, ये एक बटा आठ है। इस एक कोष्ठिका के अंदर इसका हिस्सा कितना है, एक बटा आठ है, और इसका भी हिस्सा कितना है, एक बटा आठ, एक बटा आठ, एक बटा आठ, एक बटा आठ। इस तरीके से हर किसी का हिस्सा एक बटा आठ है। ठीक है, अब अगर अभिवी कणों की संख्या गणना करोगे, तो एक का हिस्सा कितना, एक बटा आठ। ऐसे अभिवी कण है कितने, आठ। तो एक बटा आठ इंटू आठ कितना आया, एक। कितनी मजेदार बात है कि ये कण तो आपको आठ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये एक कोष्ठिका में एक ही कण उपस्थित है। इनका सबका बाकी हिस्सा आस पड़ोस वाली एक कोष्ठिकाओं में बंटा हुआ है, इसके अंदर तो इसका हिस्सा एक ही आ रहा है। ये आठों मिलकर के एक कण बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आधे एक कोष्ठिका एक अभिवी कण से मिलकर बनी होती है। चलिए, ये तो आपको पूरी बात समझ में आ गई, लेकिन आपको लिखना भी तो है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर परिभाषा लिखता हूं, एक कोष्ठिका की परिभाषा लिखता हूं। चलिए नोट्स बनाएं भी सुंदर सुंदर साथ साथ में। ठीक है, तो यहां पर आधे एक कोष्ठिका की परिभाषा लिखता हूं, क्या है कि वह एकक कोष्ठिका जिसमें, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अव्यवी कण, अव्यवी कण प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो, प्रत्येक कोने पर उपस्थित हो, ठीक है, उसे आधे एक कोष्ठिका कहते हैं। आधे एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो वह एक कोष्ठिका जिसके प्रत्येक कोने पर अभिवी कण उपस्थित हो, तो उसे हम आधे एक कोष्ठिका कहते हैं। ये लो बच्चों, एक परिभाषा आ गई अब आपके पास। चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक कोष्ठिका में अभिवी कणों की संख्या की बात करते हैं, ये वाली बात लिखते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि कोने पर उपस्थित, कोने पर, यहां पर पहले लिख लेना, क्या लिखोगे, एक हेडिंग, छोटी हेडिंग डाल लेना कि इसमें कणों की संख्या। कैसे निकालोगे कणों की संख्या, कणों की संख्या निकालेंगे, कण को ना बुक में परमाणु भी लिखा हो सकता है, अभिवी कण या परमाणु की संख्या, इसको परमाणु मान रहा है वो, तो परमाणु की संख्या कितनी आएगी, तो आप कहेंगे कि कोने पर उपस्थित
परमाणु का उस एकक कोष्ठिका में भाग, उस एकक कोष्ठिका में भाग कि हम क्या मतलब इस लाइन का कि भाई ये जो कोणे पर उपस्थित अवयविकण है ना परमाणु जो है इसका इस एकक कोष्ठिका में कितना भाग है, 1/8 भाग है, ठीक है। और कोणों पर उपस्थित कुल कण कितने हैं, कोणों पर उपस्थित कुल कण बराबर कितने हैं, 8, ठीक है। तो अतः आधे एकक कोष्ठिका में, आधे एकक कोष्ठिका में अवयवी कण या अवयवी कणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 1/8 × 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी एक आधे एक कोष्ठिका की बात हुई कंप्लीट, ठीक है। तो इसका ले लें आप एक स्क्रीनशॉट और आधे एक कोष्ठिका जो है एक परिभाषा और अवयवी कणों की संख्या की गणना, इसका चित्र, सारे चीजें हो गई हैं कंप्लीट। इसके बाद दूसरा प्रकार मैं इसका लिख रहा हूं, साफ कर दूं मैं इसको, चलिए ये लो इसको साफ कर रहा हूं। अब आगे की परिभाषाएं मैं लिखूंगा नहीं, आपको खुद को लिखनी होगी, गौर करना, ये लो। अब दूसरी जो यूनिट सेल है इसका नाम है केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्या नाम है, दूसरा प्रकार जो है वो है केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका, या हम इसको कह देते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या कह देते हैं बच्चों, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होती है, इसकी पहले परिभाषा लिख रहे हैं कि वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहीं और भी उपस्थित हो, कोनों के अलावा कहीं और भी उपस्थित हो तो उसे अपने केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। कहीं और का मतलब क्या है कि फलकों के केंद्र में हो सकते हैं, इस एकक कोष्ठिका के बीच में कहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको अपने केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कहां उपस्थित है इसके आधार पर ये आगे अलग अलग वर्गों में बांट दी गई है। जैसे इसमें पहला है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो केंद्रित एकक कोष्ठिका किसे कहा, जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अलावा कहीं और उपस्थित हो उसे हम केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, लिख लेंगे परिभाषा। और फिर लिखेंगे कि इसके अंदर पहला प्रकार है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसका मतलब क्या हुआ, नाम से समझ में आ रहा है फलक केंद्रित का मतलब फलकों के केंद्र में उपस्थित होंगे, फलकों का केंद्र, मैंने क्या कहा था फलक क्या था बच्चों, फलक ये था, इसका मतलब कोणों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में यहां अवयवी कण हो, यहां हो, ठीक है, तो उसको अपने फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊं तो इस तरीके से बना सकता हूं कि कोनों पर तो ये नींबू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और फलकों के केंद्र का क्या मतलब है कि जैसे ये फलक है ना, ये फलक है, इसके केंद्र में यहां एक अवयवी कण हो, इस तरीके से ये लो यहां एक अवयवी कण हो, तो कोनों और फलकों के केंद्र में, कोनों पर तो होना ही चाहिए, ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे कई बच्चे बहुत सारे ऐसा कर देते हैं कि फलक केंद्रित, उसने देखा कि मैं तो इंटेलिजेंट बहुत हूं, फलक केंद्रित मतलब फलकों के केंद्र में, वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण फलकों के केंद्र में उपस्थित होता है उसको हम फलक केंद्रित एक कोष्ठिका कहते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि आप लिखेंगे कि वह एक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, देखो मैंने कोनों वाला नींबू नहीं हटाया है, ये पड़ा है, कोनों के अतिरिक्त मतलब कोनों पर तो होंगे ही होंगे, फलकों के केंद्र में भी उपस्थित हो उसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं, सिर्फ फलकों के केंद्र में नहीं कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में हो उसे हम फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ध्यान रखना कोनों से हमने अवयवी कण नहीं हटाने हैं, कोनों वाले तो रहेंगे ही रहेंगे,
क्लियर। तो इस तरीके से ये होगा आपके पास फलक केंद्रित एकल कोष्ठिका। चलिए मैं इसको बनाता हूं कि कोणों पर तो रहेंगे अभिवी कण, इसके अलावा कहां रहेंगे? फलकों के केंद्र में। अब फलकों के केंद्र का मतलब है ये देखो, यहां एक फलक इसके केंद्र में, इस फलक के केंद्र में, इस आगे वाले फलक के केंद्र में, पीछे वाले फलक के केंद्र में, यहां फर्श पे, ये साइड में, ठीक है। तो छह फलके हैं, इसलिए छह फलकों के केंद्र में छह अभिवी कण उपस्थित होंगे। क्लियर है बच्चों? तो आप पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे क्या कि वह एक कोष्ठिका, फलक केंद्रित एक कोष्ठिका की परिभाषा लिखो। चलिए लिखे, मैं बोल रहा हूं कि वह एक कोष्ठिका जिसमें अभिवी कण, वह एक कोष्ठिका जिसमें अभिवी कण कोणों के अतिरिक्त, कोणों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी उपस्थित हो, कोणों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी उपस्थित हो, उसे फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो आपने ये परिभाषा लिख ली होगी। अब हमने क्या करनी है? कणों की संख्या की गणना करनी है। तो इसके अंदर फलकों के, फलक केंद्रित की मैं कणों की संख्या की गणना करते हैं। क्या आएगी कणों की संख्या? कणों की संख्या आएगी, आपने लिखा कि वही कोणों पर उपस्थित परमाणु की संख्या बराबर कितनी आएगी? एक बटा आठ इंटू आठ बराबर एक, क्योंकि ये तो है ही है। अब दूसरा, फलकों के केंद्र में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ये कितनी आएगी? बच्चों आप इधर देखना कि मैंने जब आपको यह बताया कि अभिवी कण कोणों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र में भी उपस्थित होंगे, जैसे यहां उपस्थित है, तो अब ये जो कण है ये कितने का हिस्सा होगा, कितने एक कोशिकाओं का हिस्सा होगा? एक तो इसका होगा, एक जो है इसके पड़ोसी, मान लो ये जो मैंने बनाया तो इसका भी तो हिस्सा होगा, ये साथ बड़ा है, इसके साथ भी तो चिपकेगा, इसका भी हिस्सा होगा। क्या ऊपर वाले का हिस्सा होगा क्या ये? अरे ये वाला इस ऊपर वाले का हिस्सा नहीं होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? हाँ, जो यहां अभिवी कण होगा उसका ये हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये कण सिर्फ इन दो एकक कोष्ठिकाओं का ही हिस्सा होगा। मतलब ये नींबू कितने में बंटेगा? दो में, और ये नींबू कितने में बंटेगा? आठ में। ठीक है, तो इसके अंदर जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा? एक बटा दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका हिस्सा कितना है? एक बटा दो, एक बटा दो, एक बटा दो, फलकों के केंद्र वालों का सारों का हिस्सा एक बटा दो हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हिस्सा आ रहा है? एक बटा दो। और ऐसे कोणे, ऐसे अभिवी कण है कितने? ऐसे परमाणु कितने हैं? छह, क्योंकि फलक कितने बताए थे मैंने? छह। ठीक है, तो कितना आ गया? तीन। अब कुल कण कितने हो जाएंगे? कुल कण बराबर हो जाएंगे एक कोणों वाला और तीन फलकों के केंद्र वाले, तो कुल अभिवी कण हो जाएंगे चार। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बात हुई आपकी फलक केंद्रित एक कोष्ठिका की। इसका ले लें आप स्क्रीनशॉट और इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखें, नेक्स्ट जो अपने पास इसका प्रकार है उसका नाम है क्या कि आधे एकक कोष्ठिका। कौन सी है? आधे एकक कोष्ठिका। चलिए, फलक केंद्रित के बाद दूसरा प्रकार मैं बता रहा हूं। डस्टर कहां गया? ये रहा। देखें, अब अपने पास इसको मैं साफ कर रहा हूं। दूसरा प्रकार केंद्रित एकक कोष्ठिका का दूसरा प्रकार मैं बता रहा हूं। देखें क्या इसको कह रहा हूं, दूसरा प्रकार इसका नाम है अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका। इंग्लिश में कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसका एक और नाम है, इसको काय केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये केंद्रित एकक कोष्ठिका का दूसरा प्रकार मैं लिख रहा हूं, अंतःकेंद्रित एकक कोष्ठिका या फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, इसके अंदर अभिवी कण कहां उपस्थित होंगे? इधर देखो, कोणे पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट बात, इसको मत भूलना बच्चों,
कोणों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे अभिविकर्ण, ठीक है। तो इसके अलावा कहां होंगे, नाम से समझें कि अंत केंद्रित या काय केंद्रित। काय मतलब ये पूरी एक काय है, एक बॉडी है, इसके बीचों बीच में यहां पड़ा है, बीच में, अरे इसके बीच में अभिविकर्ण पड़ा है। जो मैं डिब्बा बता रहा हूं उस डिब्बे के अंदर नींबू पड़ा है बीच में, ठीक है, तो उसको अपने काय केंद्रित एक कोष्ठिका कहते हैं। चलिए तो परिभाषा समझ में आ गई, क्या होगी परिभाषा लिख डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि काय केंद्रित एक कोष्ठिका या अंत केंद्रित एक कोष्ठिका की परिभाषा लिखो। तो आप क्या कहेंगे कि वह एक कोष्ठिका जिसमें अव्यवीकरण, वह एक कोष्ठिका जिसमें अव्यवीकरण कोणों के अतिरिक्त, कोणों के अतिरिक्त किसी एक कोष्ठिका के काय के मध्य उपस्थित हो, बीच में उपस्थित हो, तो उसे हम काय केंद्रित एक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे परिभाषा, लिखो, मैं बोल रहा हूं आप लिखेंगे, लिखो कि वह एक कोष्ठिका, लिखेंगे वह एक कोष्ठिका जिसमें अव्यवीकरण कोणों के अतिरिक्त, कोणों के अतिरिक्त काय के केंद्र में भी उपस्थित हो, कोणों के अतिरिक्त काय के, काय मतलब बॉडी के केंद्र में भी उपस्थित हो, उसे काय केंद्रित एक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर कणों की संख्या की गणना करेंगे, तो कणों की संख्या की गणना करेंगे तो कोनों वाला तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, कोनों पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1/8 × 8 बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसके अलावा अभिविकर्ण कहां उपस्थित है, इसके अलावा अभिविकर्ण उपस्थित है बच्चों कि काय के, काय के केंद्र में, केंद्र में उपस्थित अभिविकर्ण बराबर कितना आएगा, ये तो एक ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये किसी और का हिस्सा नहीं हो सकता। अरे इस कमरे के अंदर अगर बीचों बीच में यहां पर कोई कण पड़ा है तो वो पड़ोसी कमरे का हिस्सा नहीं होगा, वो इधर वाले का भी नहीं होगा, इससे कमरे के ऊपर अगर कोई कमरा बना हुआ है उसका भी हिस्सा नहीं होगा, ये सिर्फ इसी का ही है, ठीक है। तो ये आएगा एक, और कुल अव्यवीकरण कितने आ जाएंगे, कुल अव्यवी कण बराबर आ जाएंगे, 1+1 कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास अंत केंद्रित एक कोष्ठिका, परिभाषा भी हो गई और चित्र भी हो गया और कणों की संख्या की गणना भी हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक कोष्ठिकाओं के प्रकार हुए कंप्लीट। इसके अलावा एक एक और प्रकार है, वो मतलब पुराने राजस्थान बोर्ड का जो पहले वाला सिलेबस था उसके अंदर दिया होता था कि अंत केंद्रित, एंड सेंटर ऐसे लिखा होता था, अंत, उसको मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि अब है नहीं वो सिलेबस में, अंत, ठीक है, केंद्रित, या इसको इंग्लिश में कहते थे एंड सेंटर्ड, जिसको क्या उस, वो उसमें क्या होता था कि अव्यवीकरण जो है कोणों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में अव्यवीकरण उपस्थित हो, कोणों पर तो होगा ही होगा, इसके अलावा किन्हीं दो विपरीत फलकों, मतलब इस दीवार पर होगा तो सामने वाली दीवार पर होगा और कहीं भी नहीं, इस पे होगा तो इस पे होगा और कहीं नहीं, या फिर फर्श और छत में, छत और फर्श में होगा बस और कहीं नहीं होगा, तो किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र में हो उसको अपने एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहते हैं, लेकिन वो अब हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप लिख डालेंगे और आंसर भी आ जाएगा। चलिए तो ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। चलिए अब क्या करते हैं अपने, कि आपको पता ही है कि हम अगला काम क्या करते होते हैं कि इस पर बेस्ड कहीं भी अगर बुक में क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं अपने, इसको मैं साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, ठीक है, ले लिया। चलिए अब क्या करना है, ये लो क्वेश्चन करते हैं अपने। क्वेश्चन का पहला पाठ्यनिहित क्वेश्चन है 1.13 नंबर, ठीक है, 1.13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, स्पष्ट कीजिए कि, या मैं लिख देता हूं, देखें क्वेश्चन नंबर है, पाठ्यनिहित प्रश्न है, पाठ्यनिहित प्रश्न है, और कौन सा नंबर है, 1.13। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एक कोष्ठिका के, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका
के डैश करके एक नंबर लगाया हुआ है कोनों पर, कोनों पर, और दो नंबर लगाया हुआ है फलकों के केंद्र में। ठीक है, कोनों पर वे फलकों के केंद्र में, ठीक है, केंद्र पर उपस्थित, सॉरी फलकों के केंद्र में तो मैं डाल रहा हूं, क्वेश्चन में सिर्फ एक अंतः केंद्रित दे रखा है, अंतः केंद्र पर उपस्थित अव्यवी कणों की, अव्यवी कणों की सन्निकट, सन्निकट का मतलब क्या है, पास वाली एकक कोष्ठिका में सहभाजिता क्या होगी, सहभाजिता क्या होगी। ये लो, ये क्वेश्चन है 1.13 नंबर। ये कह रहा है कि आप स्पष्ट करो कि गणीय एकक कोष्ठिका में कोनों पर उपस्थित अव्यवी कण पड़ोसी अव्यवी कणों के साथ कितने में बंटेगा, फलक केंद्रित पड़ोसियों के साथ कितने में बंटेगा। ठीक है, तो ये बताना है इसका आंसर। आप कोणों वाले का हिस्सा कितना आएगा, 1/8, फलकों के केंद्र वाले का 1/2, कोनों अंत केंद्र जो बॉडी के बीच में है उसका एक हिस्सा आएगा, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा लंबा है, आंसर बिल्कुल छोटा सा है कि कोनों वाले का हिस्सा कितना होता है, पड़ोसियों के साथ कितने में बंटता है, 1/8 में, फलक वाले कितने में बंटते हैं, 2 में, तो 1/2, और अंत केंद्रित वाला किसी में नहीं बंटता, उसका एक ही भाग आएगा। ठीक है, वो किसी में भी नहीं बंटेगा। तो इस तरीके से ये 1.13 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से इसको आप ले लें स्क्रीनशॉट, आंसर भी मैंने करवा दिया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिखेंगे, अभ्यास प्रश्न 1.8, अभ्यास प्रश्न 1.8। देखिए क्या कहता है अभ्यास प्रश्न, कहता है कि निम्नलिखित जालकों में प्रत्येक की एकक कोष्ठिका में क्या कर रहा है, कितने जालक बिंदु होंगे। ठीक है, आपको दे रखा है कि आपको जालक बिंदु बताना है कि कितने जालक बिंदु होंगे। जैसे आपके पास फलक केंद्रित में, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 1.8, कौन सा है, अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, जो लेसन के पीछे दे रखे हैं। दूसरा है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय एकक कोष्ठिका, और तीसरा दे रखा है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बताना है आपको कि इसके अंदर जालक बिंदु कितने होंगे, जालक बिंदु कितने होंगे, इसमें जालक बिंदु कितने होंगे, इसमें जालक बिंदु कितने होंगे। तो बच्चों जालक बिंदु तो होते हैं जितने हम बिंदु लगाते हैं, जितने हम बिंदु लगाते हैं। जैसे घनीय एकक कोष्ठिका में आपको जालक बिंदु बताना है, ठीक है, तो इस तरीके से आपने घर बनाया। अब गौर करना बच्चों, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, गौर कर लेना। अगर जालक बिंदु पूछे तो अलग आंसर होगा, अव्यवी परमाणु पूछे तो अलग आंसर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपसे पूछा है कि कितने जालक बिंदु होंगे, तो जालक बिंदु आपको किसमें कहा, फलक केंद्रित में। फलक केंद्रित में आपने बनाया था कि फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका वो होती है जिसमें अव्यवीकरण कोनों के अतिरिक्त, मतलब कोनों में तो होता ही है, कोनों पर तो उपस्थित होता ही है, इसके अलावा फलकों के केंद्र में यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर उपस्थित होंगे, तो इसको अपने फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। अब ये जितने बिंदु लगाए हैं ये सारे के सारे जालक बिंदु हैं। ठीक है, तो कुल जालक बिंदु कितने होंगे, 8 तो कोनों पर और प्लस 6 फलकों के केंद्र में, तो कुल जो है वो कितने हो जाएंगे, 14 जालक बिंदु हो जाएंगे। आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा था कि जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर अव्यवी कणों की संख्या कितनी होगी, अव्यवी कणों की संख्या, तो अव्यवी कणों की संख्या होगी बच्चों, आपको क्या कहोगे, 1 तो आएगा कोने वाला और 3 आएगा फलकों के केंद्र वाला, तो टोटल अव्यवी कण आएंगे 4, लेकिन अगर जालक बिंदुओं की संख्या पूछी जाएगी तो 14, अव्यवी कणों की संख्या पूछी जाएगी तो 4।
ठीक है। तो अभिवी कण या जो परमाणु है उसको हमने क्या करना है, वो तो काट करके जितना हिस्सा आ रहा है वो देना है, लेकिन जालक बिंदु जो बिंदु लग गया वो उसी का ही मानना है अपने को, ठीक है। अगर दूसरी एक कोष्ठिका होगी तो ये बिंदु उसका भी माना जाएगा, उसका पूरा का पूरा एक ही माना जाएगा, ठीक है। तो जालक बिंदु तो पूरा का पूरा एक ही माना जाता है, लेकिन परमाणु जो है वो जितना हिस्सा है उसका हिस्सा कट करके जो उसको मिलेगा वो माना जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान से करना, कहीं गड़बड़ मत कर देना। जालक बिंदु तो जितने बिंदु दिखाई दे वो सारे, लेकिन अभिवी कण दिखाई ज्ञात करने हो तो जो हमने भाग काट करके बनाए हैं वो आएंगे, और कितने आएंगे, चार। अब फलक केंद्रित चतुष्कोणीय, देखो एक तो है फलक केंद्रित घनीय, एक फलक केंद्रित चतुष्कोणीय, दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। घनीय में भुजाओं भुजाओं की लंबाई समान होती है, भुजाओं की लंबाई जो है वो क्या रखती है, समान रखता है, लेकिन जो चतुष्कोणीय है वो भुजाओं की लंबाई समान नहीं रखता, लेकिन होता बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको क्या, आप क्या कहोगे, फलक केंद्रित चतुष्कोणीय में भी इतना ही, आठ कोणों पर और छह फलकों के केंद्र में कुल जालक बिंदु हो जाएंगे 14, लेकिन अभिवी कण देखेंगे तो कितने आएंगे, चार ही आएंगे, ठीक है। अब अंतः केंद्रित एक घनीय एक कोष्ठिका में कोणों पर कितने, आठ, और अंतः केंद्र में कितने, एक, अरे वो कितने हो गए टोटल, नौ। तो इसका आंसर आएगा 9, इसका 14, इसका 14। जालक बिंदुओं की संख्या ये है। अगर इसके अंदर अभिवी कण परमाणुओं की संख्या देखी जाए तो कितनी आएगी, दो आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक कोणों वाला और एक जो है काय के केंद्र वाला, तो कितना हो जाएगा, एक प्लस एक दो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जालक बिंदु या परमाणु, परमाणु काट करके देना है और जालक बिंदु पूरा का पूरा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक हुआ आपका कंप्लीट विद इसके क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहे थे बीच में, दोनों मैंने आपको करवा दिए। आज के लिए इतना है बच्चों, आज बताना कमेंट करके कि कैसा मजा आया कि नहीं आया क्लास में। चलिए अब आगे की क्लास में एक बार अपने जो क्रिस्टल जालक जो पढ़े थे उस क्रिस्टल जालकों के प्रकार और याद करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आगे शुरू करेंगे। अगले एपिसोड में मैं बताऊंगा आपको कि क्रिस्टल जालकों के कितने प्रकार होते हैं, पिछले एपिसोड में पढ़ा था ना क्रिस्टल जालक उसके, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहे, गुड लक, गुड बाय। आप जो रिप्लाई करते हैं अच्छा लगता है, कोई भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप आंसर देते हैं या मेरे को मोटिवेट कर दें तो अच्छा लगता है, क्योंकि यही एक एनर्जी है जिसकी वजह से मैं पढ़ाता हूं। अदरवाइज कोई पैसा नहीं आता है या और कुछ भी नहीं है। आप बस ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, सभी बच्चों तक पहुंच जाए, आपके लाइक्स कमेंट्स जो है इन्हीं की वजह से मैं मोटिवेट होता हूं, ठीक है बच्चों। थैंक यू, गुड बाय।